हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुनीत एंड आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। इसके साथ साथ हम इसके यहाँ पे इसकी स्टेजेस के बारे में भी और इसके लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बारे में वन बाय वन सीखेंगे। सो गाइस, अगर आप वीडियो पर हमारे नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। जिस तरीके से एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, जब एक इंसान पैदा होता है, जब वो इन्फेंट होता है, जब वो अपनी चाइल्ड एज में जाता है, फिर वो अपनी टीनेजर एज में आता है, फिर वो एक समय ऐसा आता है जब वो उसकी डेथ का समय आ जाता है। तो इस जिस तरीके से एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है, उसकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, इस तरीके से एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। जिस तरीके से वो मार्केट में एंटर होता है, फिर वो मार्केट में ग्रो करता है, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर वो सैचुरेट होता है, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर वो मार्केट से आउट हो जाता है ड्यू टू मैनी अल्टरनेटिव्स इन द मार्केट। तो इसी तरीके से एक प्रोडक्ट को भी डिफरेंशिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस काइंड ऑफ स्टेजेस। सो हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। सो द टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू कंज्यूमर्स इनटू द मार्केट अंटिल इट्स रिमूव्ड फ्रॉम द शेल्व्स। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है एक प्रकार की लेंथ, एक ऐसे जर्नी जिस टाइम पर प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होता है ड्यू टू देयर यूनिकनेस, ओके, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और तब तक रहता है जब तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना आ जाए मार्केट के अंदर, या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर ना एक ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो कि उसको आउट कर सके, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट एंड बाय मार्केटिंग प्रोफेशनल एज अ फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट टू इंक्रीज एडवर्टाइजिंग, रिड्यूस प्राइसेस, एक्सपेंड टू न्यू मार्केट्स और रीडिजाइन पैकेजिंग। मतलब ये जो कंसेप्ट होता है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, ये बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के द्वारा और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा भी यूज किया जाता है, ये जानने के लिए कि कब और किस स्टेज में, यानी कि कौन से टाइम पर एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना सही रहेगा, एक प्रोडक्ट में नए नए डिजाइन करने सही रहेंगे, किस टाइम पर हमें प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देना चाहिए और किस टाइम पे हमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग में चेंजेस करने चाहिए, ये सब हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पता चलता है। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजाइजिंग वेज टू कंटिन्यूअसली सपोर्ट एंड मेंटेन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। मीन्स जब भी हम अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से स्ट्रेटजाइज वे में मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि किस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एंटर किया जाना चाहिए, किस टाइम पे हमें प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट करना चाहिए, समय समय पर अकॉर्डिंग टू चेंजेस अकर इन बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है एक ऐसे स्टेजेस जिसके थ्रू प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है, अंडरगो होना पड़ता है मार्केट के अंदर ड्यू टू देयर डिक्लाइनिंग स्टेज इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, नाउ देयर कुड बी फोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एज वी ऑल नो दैट देयर इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। नाउ वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके, सो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में प्रोडक्ट पहली बार एंटर होता है, जब मार्केट में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को अपने लॉन्च करती है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट और वी कैन से द इंट्रोडक्शन फेज इज द फर्स्ट टाइम कस्टमर्स आर इंट्रोड्यूस टू द न्यू प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात कही है। अ कंपनी मस्ट जनरली इंक्लूड्स अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड अ मार्केट कैंपेन फोकस्ड ऑन मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर करती है ना, मार्केट में लॉन्च करती है, तो उस टाइम पे उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की, अलग अलग मार्केट कैंपेन चलाने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी होती है ताकि कस्टमर के माइंड में उसकी पोजीशनिंग अच्छी हो सके। तो इस फेज के अंदर, इंट्रोडक्शन फेज के अंदर, कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी पैसा लगाती है, ठीक है,
यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको समझेंगे. ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज देर इज ऑफन लिटिल टू नो कॉम्पिटिशन फॉर अ प्रोडक्ट एज अदर कॉम्पिटिटर्स मे बी गेटिंग अ फर्स्ट लुक एट राइवल प्रोडक्ट. मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज में ज्यादा हमारे पास कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता. क्यों? क्योंकि कंपनीज जो होती हैं, जो हमारी राइवल कंपनीज होती हैं, उनको का पता नहीं चलता कि हमारा प्रोडक्ट किस बारे में है. तो इसलिए यहाँ पर इस स्टेज में कॉम्पिटिशन कम होता है. लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जाता है. क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑब्सोलेट मैच्योरिटी स्टेज की तरफ मूव करता है, जिससे कि हमारे जो राइवल प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे जो राइवल कंपनीज होती हैं, वो हमारे कंपनी हमारे प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए एक अपना सब्स्टिट्यूट तैयार करती है. तो इसलिए हमारा कंपटीशन बढ़ता चला जाता है. यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं 3D टेलीविजन्स का. हम सब जानते हैं 3D टेलीविजन्स अब एक ऐसी स्टेज है जो कि अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में. कंपनी को यहाँ पर बहुत सारी ब्रांडिंग करने की जरूरत है, यहाँ पर बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत होती है इस 3D टेलीविजन को इनकलकेट करने के लिए, कस्टमर्स को इसके बारे में और अवेयर कराने के लिए. कंपनी को यहाँ पे बहुत ही पैसा खर्च करने की नीड होगी, तभी ये हमारा जो 3D टेलीविजन वाला जो आइडिया है वो आगे जाके मैच्योरिटी और ग्रोथ स्टेज में आ पाएगा. ठीक है, सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन स्टेज क्लियर होगी. नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे करके मार्केट में ग्रो होता है, धीरे धीरे करके मार्केट में अपनी जगह बना रहा होता है. आइए पढ़ लेते हैं. इफ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल इट देन मूव्स टू द ग्रोथ स्टेज. मान के चलिए अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, सेफ मैंने कोई एक फोन लॉन्च किया, अब वो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेज. अब हमें ग्रोथ का कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है? सो पहला पॉइंट है, हमें हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही होगी. अगर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी सो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा सो इससे हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करेगा, जो कि बताएगा कि हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में है या हमारे कंपनी को इस प्रोडक्ट में ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए कस्टमर्स की ओर. तो इसे हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेज. The amount of the time spent in the introduction phase before a company product experiences strong growth will vary from between industries and product. मतलब जो भी हम अपना समय देते हैं इंट्रोडक्शन फेज के अंदर, जो हम ध्यान लगाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि कस्टमर्स को उसके बारे में पता चल सके, वो काफ़ी यूजफुल होता है अलग अलग कंपनीज के लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ग्रो कराने के लिए इन सभी एक्सपेंसेस को हमें इनकर करना होता है, और कंपनी टू कंपनी इसकी कॉस्ट अलग होती है. ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज द प्रोडक्ट बिकम मोर पॉपुलर एंड रिकग्नाइजेबल. ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और रिकग्नाइजेबल होता है. यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा पैसा लगाने की नीड नहीं होती, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि कंपनी को पैसा लगाने की नीड नहीं है. अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो कंपनी को पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्ट से उसको इनकर्ड होना पड़ेगा. ठीक है, Finally, the growth period of the product life cycle results in increased sales and higher revenue. Growth stage में क्या होता है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ती है. अब सेल्स बढ़ेगी तो हम सबको पता है कि हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा. ओके, एज कॉम्पिटिशन बिगिन टू ऑफर राइवल प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिशन इंक्रीज. क्यों? यहाँ पर इस स्टेज में क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना उसके राइवल्स बहुत ज़्यादा हमारे आ जाते हैं मार्केट के अंदर, जिससे हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ता है. तो ग्रोथ स्टेज में हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान देने की नीड होती है कि किस तरीके से हम एक यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे करके मार्केट में ग्रो हो जाए. ठीक है, हमें यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं किसका, यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं AI का, स्मार्टफोन्स का और इलेक्ट्रिक कार्स का. ये तीनों एक ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसी थिंग्स हैं जो कि अभी हमें ज़्यादा इसको एडवांस, इसको मतलब कस्टमर को बताने के लिए तो हमें ज़्यादा कंपनीज को ब्रांडिंग करनी होगी. ठीक है, सो ये ऐसी स्टेज है जो कि अभी धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है मार्केट के अंदर, और एक समय ऐसा आएगा जब इन्हीं तीनों चीज़ों का मार्केट में कैप्चराइजेशन होगा, मार्केट में इसका ट्रेंड होगा धीरे धीरे करके आने वाले समय में. अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज के बारे में. मैच्योरिटी स्टेज दोस्तों ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर ना तो हमें ज़्यादा मार्केटिंग करने की नीड होती है और ना ही हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने की नीड होती है, हम एक ही बार में प्रोडक्शन कर देते हैं. ठीक है, सो आइए पढ़ लेते हैं. द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज
वाइल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग डिक्लाइन, जैसा कि हमने शेयर किया, विद द मार्केट सैचुरेटेड विद द प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन नाउ हायर देन एट अदर स्टेजेस. अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, हमारे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ने मार्केट में अपनी जगह बनाई हुई है, तो जो दूसरी कंपनी होती है हमारे प्रोडक्ट को डोमिनेट करने के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करते रहती हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट को डोमिनेट किया जा सकता है. तो ये क्या होता है, ये एक मैच्योरिटी स्टेज होती है जहाँ पर कंपनी को पता है कि उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी कस्टमर्स के दिमाग में पोजीशन कर चुका है, तो यहाँ पर कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं लगाती है. ठीक है, और भी कैसे हम कह सकते हैं, मैच्योरिटी स्टेज तब आती है जब हमारा सेल्स वॉल्यूम मैक्सड आउट हो जाता है. मैक्सड आउट का मतलब होता है एक लेवल तक पहुँच जाता है. मान के चलिए मुझे 10,000 यूनिट बेचनी थी, तो मैंने 10,000 यूनिट की सेल्स कर दी, तो यहाँ एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगी. क्यों? क्योंकि उसको पता है वो अपना सेल्स वॉल्यूम का टारगेट कंप्लीट कर चुकी है. ठीक है, इस स्टेज के अंदर कंपटीशन इज नाउ हाईएस्ट, राइवल कंपनीज हैव हैड इनफ टाइम टू इंट्रोड्यूस कंपीटिंग एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, एंड कंपटीशन फॉर कस्टमर इज यूजली हाईएस्ट. यहाँ पर कस्टमर्स के लिए जो कंपटीशन होता है बहुत हाईएस्ट होता है. क्यों? क्योंकि उनके पास अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं जिनसे कि वो अपने माइंड को इनकलकेट कर सकते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव की तरफ वो जा सकते हैं, जिससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज में कंपनी को ज़्यादा पैसा लगाने की नीड नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी अवेयर है उस प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर अमेजन का, एप्पल का, एक्सबॉक्स का. ये एक ऐसी कंपनीज हैं, एक ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको अब ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करने की नीड नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये कस्टमर्स के दिमाग में अपनी पोजिशनिंग क्रिएट कर चुकी है. ठीक है, सो आई होप आपको मैच्योरिटी स्टेज क्लियर होगा. अब हम बात करते हैं डिक्लाइन स्टेज की. नाम से ही पता चल रहा है, डिक्लाइन स्टेज का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे के मार्केट से एग्जिट होने की कगार पे है. ठीक है, एज अ प्रोडक्ट टेक्स ऑन इंक्रीज कॉम्पिटिशन एज अनदर कंपनीज एवैल्यूएटेड सक्सेस द प्रोडक्ट में लूज मार्केट शेयर एंड बिगिन इट डिक्लाइन. क्यों? अब एक प्रोडक्ट डिक्लाइन क्यों होता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाता है. अब दूसरा प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो हो सकता है उसके प्राइस कम हो. ठीक है, एज कम्पेयर देन, तो मान के चलिए अगर मेरा प्रोडक्ट था 100 रुपये का, अब किसी कंपनी ने वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट 80 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया कस्टमर के लिए, तो धीरे धीरे करके मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो मार्केट से डिक्लाइन होता चला जाएगा. या अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए हैं, ठीक है, और उससे बेटर कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करा दिया मेरे कॉम्पिटिटर ने, सो धीरे धीरे करके मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्लाइन स्टेज पे आ जाएगा. ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं टाइपराइटर का. ठीक है, टाइपराइटर का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, टाइपराइटर का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे टेलीग्राम का एग्जांपल ले सकते हैं. ये ऐसे ब्रांड्स हैं, एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट से आउट हो रही हैं. ठीक है, इनका ज़्यादा फैशन ट्रेंड में नहीं है, ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो बज में नहीं है, जो कि धीरे धीरे करके मार्केट से डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही हैं. ठीक है, हम एग्जांपल ले सकते हैं आईपॉड का, हम एग्जांपल ले सकते हैं आई मैक का, जो कि मार्केट से धीरे धीरे करके डिक्लाइनिंग फेज पे जा रही हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो हमने 4 स्टेज के बारे में बात किया आज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.